इससे ज्यादा शर्मनाक बयान एक मुख्यमंत्री को और नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री जो अपना राज्य नहीं संभाल पा रही है, और देखिए मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता, ये घटना इस तरीके की महिलाओं के साथ अगर किसी भी राज्य में होती है तो वो उतनी ही शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक है। पर ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद आपका राज्य आज जिस तरीके से डर दहशत के साए साए में है, वहां पर जिस तरीके से एक महिला के साथ जितना निंदनीय, उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, इस तरीके की घटना घटती है और आप क्या कर रही हैं बदले में? आप दोषारोपण कर रही हैं, आप दूसरे राज्यों में देख रही हैं। अपने राज्य को आप संभालिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, आपका राज्य अगर संभला रहेगा बाकी राज्य अपने अपने राज्यों को देखेंगे, पर इस तरीके से बयान देना कि मेरा राज्य जलेगा तो बाकी राज्य भी जलेंगे, बिहार भी जलेगा, देश भी जलेगा, ये कैसी सोच है? क्या एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है कि वो हमारे देश के जलने की सोच रखें, हमारे देश के प्रदेशों को जलाने की सोच रखें? आपकी जिम्मेदारी आपके राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने की है। आप अगर उसमें नाकामयाब रहती हैं, आपके राज्य में इतनी बड़ी घटना होती है, अगले दिन हुड़दंगई पहुंच जाते हैं और सारे एविडेंसेस को मिटा देते हैं। आपने अपने राज्य में एक ऐसी व्यवस्था आपने स्थापित की है जहां पे पॉलिटिकल कैडर को आप सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाती हैं, और वो लोग जब उनमें कमी पाई जाती है, भाई कौन था ये व्यक्ति जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया? कैसे उसको इतना एक्सेस मिला हुआ था, कैसे उसको इतनी छूट मिली हुई थी, जबकि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के इससे पहले इतने सारे चार्जेस थे? तो क्या ये आपके सरकार की, आपके सरकारी तंत्र की लापरवाही नहीं थी? और उसके बाद इस तरीके से दोषारोपण करना और दूसरे राज्यों को इस तरीके से धमकी देना, क्या ये एक राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? ये इनकी कमजोरी को दिखाता है, इनकी विफलता को दिखाता है।